कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर शासन प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, हाई सेकेंडरी का परिणाम 10 वर्षों के मुकाबले सबसे कम रहा है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, जल जीवन मिशन, तालाब निर्माण, सीवरेज, जल आवर्धन, खरगोन उद्वहन जैसी करोड़ों रुपए लागत की महती योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर लंबे समय से अधूरी पड़ी है। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त होकर परिवर्तन चाह रही है। प्याज कोड़ियों के भाव बिक रहा है, सरकार प्याज के दाम समर्थन मूल्य की दर पर तय करे। इस दौरान जिला अध्यक्ष रवि नाईक, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भ्रष्टाचार को लेकर आपने कलेक्टर से मुलाकात की। भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरम सीमा पे। कर्नाटक में 40% की सरकार थी जो 40% लेती थी। मध्य प्रदेश में तो कई मामलों में 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। निमाड़ के अंदर, खरगोन जिले के अंदर जितने तालाब बने उन तालाबों की जांच करेंगे तो कई तालाब तो ऐसे निकलेंगे जो गायब ही है, केवल कागज पे बन गए और लाखों और करोड़ों रुपये निकल गए। ऐसी कई योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन का काम चल रहा है जो मापदंड है विभाग के, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। खरगोन के अंदर 200 करोड़ रुपए की दो योजनाएं बड़ी आई थी, सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन, दोनों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। आज देखे सीवरेज की लाइन पूर्ण तरह से फेल है, पानी की जो लाइन उन्होंने डाली वो लाइन भी पूर्ण रूप से फेल होगी। भ्रष्टाचार खरगोन ही नहीं, खरगोन जिले नहीं, पूरे प्रदेश में चरम पे। लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह जी ने कहा, मेरे को एक दिन रात को सपना आया, सपना नहीं आया, सपना दिखा हिमाचल का कि हिमाचल में सरकार बन गई, हिमाचल में बहनों को, नारियों को, माता बहनों को वहाँ की सरकार ने योजना बनाई, उनको हजारों रुपए महीना देना शुरू करा। शिवराज सिंह जी को चक्कर आ रहे थे, वो तो ऐसे ही बोल गए कि रात को सपना आया तो मैंने मेरी पत्नी से बात करी, 1000 रुपये महीना दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में योजना को, उस योजना को चुरा के लाए थे, आधी अधूरी योजना थी, एक घर में एक बहन को दूंगा, बाकी को लड़वा दिया, सास को देऊंगा, सास को नहीं दूंगा, बहू को देऊंगा, बहू की बेटी को नहीं दूंगा, बहू की बेटी भी पढ़ने जाती है उसको भी लगता है। हमने इस योजना का 18 वर्ष से लेके 118 साल तक जो भी नारी हो, जो माता बहनें हो, सबको 1500 रुपये महीना कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम घर में, अगर परिवार में 18 साल से 118 तक की पात्र है, सबको देंगे। क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र माना जाए? बिल्कुल, कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहेगा, 5 बिंदु है, 100 यूनिट बिजली फ्री, बाकी की 200 यूनिट बिजली हाफ, इस तरीके से 300 यूनिट की हम लोगों को राहत देंगे। कलेक्टर से किन मुद्दों पर? कलेक्टर साहब से जिन मुद्दों पे बात हुई, प्याज को लेके हुई, किसान खरगोन का आज अपनी फसल 1 से 1.5 रुपये किलो में बेचने पर मजबूर हो रहा है, तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन करा, मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया कि इसको तत्काल समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। टमाटर जैसी फसल भी 2-2 रुपये किलो बेचने को मजबूर हो रहा है। खरगोन के अंदर जिन लोगों को इरिगेशन के योजनाओं में, जो गांव रुक गए, रह गए, जो किसान रह गए, उनकी ज़मीनों को जोड़ा जाए, उनको लिफ्ट इरिगेशन में उन गाँव को जोड़ा जाए। एक उदाहरण, घुघरियाखेड़ी का सिलोटिया कस्बा है, सिलोटिया गांव है, और उसमें 450 से 500 एकड़ ज़मीन ऐसी छूटी है कि जो विस्तान लिफ्ट इरिगेशन में भी नहीं आई, BR2 में भी नहीं आई है, और अपर वेदा जो उसके पास से नहर निकल रही उसमें भी नहीं आई है। ऐसी चीज़ों को इंगित करके मैंने कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है कि ऐसी योजनाओं से कहीं ना कहीं जोड़े जो किसान वंचित रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या विधानसभा में सवाल उठाएंगे? बिल्कुल, आने वाली विधानसभा में खरगोन जिले और पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ उसको उजागर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।